अपनी ऊंचाई को उछल के ठीक कर दिया। हेलो, सॉरी फॉर बीइंग लेट, जल्दी जल्दी आ जाओ फॉर क्लास। सो मेरी ऑडियो क्लियर है ना सबको? बस मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। आफ्टर दैट वील स्टार्ट आवर क्लास। Audio clear to everyone? Just let me know in the comment section. इज माई ऑडियो क्लियर टू एवरी वन? जस्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। जल्दी जल्दी आ जाओ। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, शायद शाम तक वर्षा हो जाए वाक्य में रेखांकित पद का भेद है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, गुणवाचक विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जल्दी जल्दी बताइए। इसका आंसर बताइए, फिर हम आगे चलेंगे। जल्दी जल्दी आंसर बताइए, फिर हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन है, शायद शाम तक वर्षा हो जाए वाक्य में रेखांकित पद का भेद है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, सेकेंड है गुणवाचक विशेषण, थर्ड है कालवाचक क्रिया विशेषण, और है लास्ट परिणामवाचक क्रिया विशेषण। जल्दी जल्दी बताइए, फिर हम आगे चलेंगे। द आंसर इज थर्ड, कालवाचक क्रिया विशेषण। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शाम की बात हो रही है तो वो हमें काल बताता है, ठीक है। शाम तक वर्षा हो जाए क्रिया में रेखांकित पद है कालवाचक क्रिया विशेषण। सबको क्लियर है? जिला
किसी प्रकार की दृष्टता उसे सत्य में विचलित नहीं कर सकती। वाक्य में रेखांकित पद है भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, थर्ड है क्रिया अविशेषण और फोर्थ है क्रिया विशेषण। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सॉरी। ओके, सो सेकंड का आंसर बताओ। किसी प्रकार की दृष्टता उसे सत्य से विचलित नहीं कर सकती। वाक्य में रेखांकित पद क्या है, भाववाचक है, जातिवाचक है, या विशेषण है, या क्रिया विशेषण है? हेलो, इज माई ऑडियो क्लियर टू एवरीवन? जस्ट लेट मी नो द कमेंट सेक्शन।